नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल और मैं हूं आपके साथ स्वाति विश्राम। आए दिन सियासत में विवादित बयानों का सिलसिला तो जैसे थमने का नाम ही नहीं लेता। जहां एक तरफ चुनाव आते ही जुमले शुरू हो जाते हैं नहीं महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिला के अधिकारों को लेकर के और महिला सम्मान को लेकर के, वहीं महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान देना जैसे नेताओं की खास बात से हो गई है। ऐसे बदजुबान नेता आजकल चुनाव के दौर में आपको आए दिन देखने को मिलेंगे। सियासत में अक्सर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और चुनावी घमासान के दौरान अक्सर नेताओं की जुबान बेकाबू नजर आती है। नेताओं के मर्यादा भूलने की घटना आए दिन सामने आती रहती है। तो वही बात करें पश्चिम बंगाल की, वही पश्चिम बंगाल के चुनाव में घमासान में जुबानी जंग छिड़ी हुई है जिसमें सारी मर्यादाओं को लांग दी जा रही है। इस चुनाव के प्रचार के अभियान में पहले ममता बनर्जी के चोटिल पैर को अहम मोड़ माना जा रहा था, तो सियासी मंचों से इस चोट की चर्चा लगातार हो रही है। कभी बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है तो कभी संवेदना जता रही है। इस बीच बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता की चोट पर विवादित बयान दे दिया है। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी की चोट पर शर्मनाक बयान देते हुए कहा कि ममता को साड़ी की जगह बरमूडा पहन लेना चाहिए। बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में जैसे जैसे तारीख करीब आती जा रही है वैसे वैसे नेताओं की जुबानी जंग रफ्तार पकड़ती जा रही है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने आपत्तिजनक बयान दे दिया है। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी के टूटे पैर को दिखाने के लिए उन्हें बरमूडा पहनने की नसीहत दे डाली। प्लास्टर करना है गला, ट्रे बैंडेज बांधा है गाछे और पा तुले तुले सबाई के दिखाछे। साड़ी पहने আছেন, একটা পা ঢাকা একটা খোলা, এরকম শাড়ি পরতে দেখি। যদি পাটা বার করে রাখো তাহলে শাড়ি কেন বারমুড়া পরতে পারে? তাহলে পরিষ্কার দেখা যায়। ওয়াই দিলীপ ঘোষ কে ইস বয়ান কে বাদ ঘমাশান ছড়না তো তয় থা। टीएमसी जहां एक तरफ तिलमिला गई इस बयान से और प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ बीजेपी को भी घेरा। टीएमसी ने ट्वीट कर कहा कि इस तरह की कुरुचिपूर्ण बयान दिलीप बाबू के अतिरिक्त और कोई नहीं दे सकता। एक मुख्यमंत्री के लिए इस तरह का बयान निंदनीय प्रमाण करता है कि बंगाल बीजेपी के नेता महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। बंगाल की माँ बहने ममता बनर्जी के इस अपमान का योग्य जवाब 2 मई को देंगी। दिलीप घोष के इस बयान के बाद समस्त नेताओं की दोगली नीति का पता चलता है। जहां एक तरफ बड़ी बड़ी बातें की जाती है वहीं इनकी कथनी और करनी में खासा फर्क देखने को मिलता है। क्या सिर्फ जुमलों के लिए नारी के सम्मान की बात करना, जहां एक तरफ नारी के अधिकारों की बात करना वहीं दूसरी तरफ खुद नेताओं द्वारा नारी के सम्मान का हनन किया जाता है। आखिर क्यों क्यों जिस नेता ने अपने घोषणा पत्र में तमाम तरह के वादे किए, बड़ी बड़ी बातें की, आज उन्हीं के पार्टी के एक नेता ने एक महिला मुख्यमंत्री के ऊपर आपत्तिजनक और शर्मनाक बयान दे डाला, ये कहां तक जायज है? तो आज के हल्ला बोल में बस इतना ही। देशों दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 19 के साथ। वहीं ये खबर आ रही है सिंदरी से, जहां किराने की एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जो आपको बता दें, ये घटना है बाड़मेर के सिंदरी इलाके की, जहां एक किराने की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दुकान में रखा किराने का सामान खाक हो गया जल के। आग से दुकान में रखे 3 गैस सिलेंडर में ब्लास्ट भी हुआ। सिंदरी क्षेत्र में देर रात्रि सड़ा गांव की ये घटना बताई जा रही है। वही खबर जयपुर से आ रही है, जहां 25 मार्च यानी आज ब्रज पर्वत पर हो रहे खनन के विरोध में शहीद स्मारक पर हजारों की संख्या में श्याम भक्त पहुंचे हैं। पूनम अंकुर छावड़ा, पूर्व विधायक गोपीचंद गुज्जर व मान मंदिर से रामाकांत शास्त्री के नेतृत्व में ये मुख्यमंत्री आवास को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। जी सर, आज बताओ यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपका यहाँ पर प्रोग्राम? हम लोग ब्रजभूमि से आए हैं जी, और ब्रजभूमि कोई साधारण स्थल नहीं है। वो बड़े बड़े देवताओं की, शंकर विष्णु भगवान की भी आराध्य भूमि है, जहाँ पर कम से कम वर्ष में 8 करोड़ लोग आया करते हैं। उसी ब्रजभूमि के दिव्य पर्वत जो साक्षात गिरिराज पर्वत के समान है,
उन पर्वतों का खनन व्यापक रूप से हो रहा है, उन पर सरकार ने लीज दे रखी है। उनके खनन के माध्यम से हमारे ब्रज के जो लीला स्थल हैं, जहाँ राधा माधव ने बहुत सी लीलाएं की थी, उन पर्वतों को तोड़ा जा रहा है। उसके खिलाफ हम लोग करीब 58 दिन से आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पर। वही खबर जोधपुर से आ रही है, जहाँ जोधपुर में जवाहर खाना रोड पर मकान में आग लग गई। आपको बता दें कि एक मकान में आग लग गई है, जहाँ नागौरी गेट में दमकल पहुंची है। आग पर काबू पा लिया गया है, सामान जल गया। गैस रिसाव से आग लगने की आशंका थी, अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। वही खबर सेड़वा से आ रही है, जहां होली आने को है, लेकिन बाजारों में वो रौनक देखने को नहीं मिल रही है। होली पर्व से 5 दिन पहले भी बाजार में कोई उत्साह नहीं झलकता नजर आ रहा है। बाजार में मंदी का दौर छाया हुआ है, दुकानों पर सूनापन पसरा है। जबरदस्त मंदी के चलते व्यापारी निराश हो चुके हैं। ग्राहक की दुकानदारों ने पीड़ा जताई है और कहा, ऐसी मंदी पहले कभी नहीं देखी गई है। गत मार्च के बाद कोरोना काल में ऐसा दौर शुरू हो गया है, एक साल बाद भी नहीं संभल पाया है आम आदमी और व्यापारी। खरीफ और रबी के अच्छे उत्पादन के बावजूद भी हालात नहीं सुधरे हैं। महंगाई बढ़ने के कारण बाजार पर असर पड़ रहा है। होली पर्व के महज 5 दिन पहले तक भी हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। तहसीलदार रेवेन्यू इंस्पेक्टर की रिश्वत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सिरोही से दोनों को लेकर पाली रवाना हो चुकी है एसीबी। आज पाली की एसीबी कोर्ट में इनकी पेशी की जाएगी। रेवेन्यू इंस्पेक्टर की रिश्वत का ये मामला है। रिश्वत मामले में दोनों को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। वहीं शहीद स्मारक पर पिछले 38 दिनों से पटवारी धरने पर बैठे हुए हैं। शहीद स्मारक पर 38 दिन से धरने पर बैठे पटवारी संघ के कार्यकर्ता व महिलाएं और उनके छोटे छोटे बच्चे भी अब साथ धरने पर बैठे हुए हैं। राजाराम गुज्जर ने कहा, हमें सब तरह से प्रयास कर लिया है, लेकिन हमारी मांग सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही है। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, तब तक हम यही धरने पर बैठे रहेंगे। देखते हैं कब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी। मांग तो हमारा जो बेहतर संगति है, उसमें ग्रेड पे एल टेन करना है, मुख्य मांग हमारी यही है। उसके बाद हमारा चयनित वेतन मान है, जो 9-18-27 के स्थान पर हमें 7-14-21-18 दिया जा रहा है, क्योंकि 9 साल जो हमें इंक्रीमेंट चयनित वेतन मान मिलता है, उसमें एक इंक्रीमेंट मिलता है 100 रुपये का, जबकि हम 9 साल के बाद हमें 3600 ग्रेड पे पहले मिल जाता था। आजकल सरकार ने वो हटा दिया है। हम ये चाहते हैं उसे पुनः लागू करें, उसकी जगह 7-14-21-28 लागू करें। गेट पे पटवारी का जो 2400 था, 2400 बहुत कम था, क्योंकि पटवारी 24 घंटे काम करता है। होली, दिवाली, ईद, शनिवार, रविवार, अवकाश के दिन भी 24 घंटे काम करता है। उसकी ग्रेड पे आपने 24 लाख रखी है। उसके अलावा खुद के पटवार सर्किल के अलावा 36 डिपार्टमेंट में सरकार काम करवाती है। वही खबर टोंक के पीपलू से आ रही है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संदेड़ा के मुख्य गेट पर ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया है। जी आपको बता दें कि प्रधानाचार्य की हट धर्मिता से ग्रामीण परेशान हैं। वही विद्यालय के नाम से ग्रुप बनाकर अश्लीलता फैलाने का ये मामला सामने आया है। राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष कन्हैयालाल बागड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान द्विपक्षीय बातचीत में वहां के अल्पसंख्यकों पे हो रहे अत्याचार और हिंदुओं के जातीय नरसंहार के ऊपर अपनी बात रखने की भी अपील करी है। आइए देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं कन्हैयालाल बागड़ा, अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू भक्ति सेना। संपूर्ण सनातन प्रेमियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम एक हमारा संदेश है। आज वो बांग्लादेश दौरे के ऊपर गए हैं द्विपक्षीय वार्ता को लेकर, तो हमारा उनसे निवेदन है कि वहाँ पर हिंदुओं के अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय में क्रिश्चियन, बौद्ध, हिंदू सभी समुदाय आ गए। वहाँ पर उनको प्रताड़ना के रूप में उनके घरों को जला दिया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, उनको धर्म परिवर्तन के लिए विवश किया जा रहा है।
तो मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि वहां पर जितने भी अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, उनके मुद्दे को आप द्विपक्षीय वार्ता में रखें और इसको एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर आप जो वहां की प्रधानमंत्री है शेख हसीना उनके सामने इसको रखें और इसका एक हल सुनिश्चित तौर पर निकाला जाए। हमें जहां तक ज्ञात हुआ है कि आप गोपालगंज में मटुआ समुदाय के यहां जाएंगे जहां पर आप दर्शन भी करेंगे और हमारी नहीं अपितु वहां के लोगों की भी आपसे काफी आशाएं जुड़ी हुई है, वो भी एक आशा के किरण के रूप में आपको देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी। वहां के लोग आपसे टकटकी आशाएं लगाए बैठे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, हमारे हितेशी हैं, वो हमारे बारे में कुछ सोच समझ कर आ रहे हैं। तो उनकी आशाओं के ऊपर आप एक किरण के रूप में प्रकाशित हों और उनको एक नया भविष्य देकर आप वहां से आए ताकि वो अपना जीवन यापन खुशी खुशी व्यतीत कर सके। पहले वहां पर NRC और CAA का विरोध भी हो चुका है क्योंकि बांग्लादेश स्वयं एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर लोकतांत्रिक तरीके के तहत सारी अभिव्यक्ति की आजादियां वहां पर दे रखी है, लेकिन इसी के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को, हिंदू समुदाय को वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के द्वारा, मुस्लिम बहुसंख्यकों के द्वारा। तो हम चाहते हैं कि आप इस मुद्दे को वैश्विक पटल पर अंतर्राष्ट्रीय रूप में रखें ताकि इस मुद्दे को पूरी मीडिया जगत उठाए और जो हमारे लोगों को वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है उनको एक काफी हद तक कुछ आश्वासन मिले, कुछ सुरक्षा मिले और एक सुरक्षा की गारंटी आप वहां पर द्विपक्षीय वार्ता में लेकर जरूर आए, ये हमारी आशा है। और हम इसी आशा के साथ में आपको धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारी आशाओं पे खरा उतरेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। वही खबर लालसोट से आ रही है जहां लालसोट के कोथुन रोड पर चोरों ने धमाल मचाया है। आपको बता दें कि बीती रात्रि 5 दुकानों सहित 3 दुकानों के ताले तोड़ दिए। लालसोट के बोहरा मार्केट का ये मामला बताया जा रहा है। अज्ञात चोर दुकानों से लाखों रुपए और मोबाइल चुरा ले गए हैं। CCTV फुटेज में चोरी को अंजाम देते चोर दिखाई दे रहे हैं। वहीं लोगों ने पुलिस के गश्त पर भी सवाल उठाए हैं। 3 लाख की चोरी हो गई, एंड्रॉइड मोबाइल भी, मोबाइल भी, वो 2.5-3 लाख का माल गया, पर प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। मुझे अपना मुआवजा चाहिए। वही खबर ओसिया से जहां ओसिया उपखंड स्तरीय जन सुनवाई रखी गई है। दिनांक 26 मार्च 2021 शुक्रवार को प्रातः 11 बजे ओसिया में पंचायत समिति सभागार में ये सुनवाई रखी गई है। कल ब्लॉक स्तरीय अधिकारी जन सुनवाई में उपस्थित रहेंगे। जिला कलेक्टर के निर्देशों अनुसार ये जन सुनवाई होगी और जन सुनवाई में कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण रूप से पालना की जाएगी। बांदीकुई की निवर्तमान जिला प्रमुख गीता खटाना आज दौरे पर हैं। वहां उन्होंने ग्राम गल्लाना में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। आज दौसा की निवर्तमान जिला प्रमुख गीता खटाना बांदीकुई के दौरे पर हैं, जहां जिला प्रमुख खटाना ने ग्राम पंचायत गुल्लाना में धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की और कहा कि धर्म जड़े सदा हरी व गहरी होती है। वहीं इसके बाद राधा वल्लभ सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित फागोत्सव व गोपाल बागीची में वैश्य समाज महिला मंडल द्वारा आयोजित फागोत्सव में शिरकत की व सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं और बधाइयां भी दी और कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकारी गाइडलाइन का पालन किया जाए व सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। फागोत्सव में रूपाली खंडेलवाल, पारुल विजय, श्वेता गोयल, नगीना खंडेलवाल सहित सैकड़ों महिलाएं मौजूद रही। वहीं गुल्लाना में आयोजन दंगल कार्यक्रम में सरपंच उर्मिला देवी मीणा सभी अतिथियों का अपने निज आवास पर स्वागत कार्यक्रम में पूर्व CMHO डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, वाइस चेयरमैन राजेश शर्मा, रूप सिंह पीलवाल, अर्चना मीणा, लाल मीणा, सरपंच संघ अध्यक्ष विश्राम नूरपुर, पालिका पार्षद गणों ने कार्यक्रम में शिरकत की। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली ने बुधवार देर शाम सिरोही जिले के पिंडवाड़ा के भावरी में कार्यरत रेवेन्यू इंस्पेक्टर पर्वत सिंह को 1 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया, लेकिन RI को ट्रैप करने के बाद पूरा घटनाक्रम नाटकीय अंदाज में बदल गया। RI ने बताया कि उसने यह रिश्वत पिंडवाड़ा तहसीलदार कल्पेश जैन के लिए ली है। इस पर ACP की टीम पिंडवाड़ा स्थित कल्पेश जैन के आवास पर पहुंची,
लेकिन भनक लगते ही उसने खुद को घर में बंद कर लिया और करीब 20 लाख के नोट जलाने लगा। इसने उसकी पत्नी ने भी मदद की। पिंडवाड़ा पुलिस की मदद से एसीबी ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद कटर से दरवाजा तोड़ा और देर रात तक कार्रवाई चलती रही। शुरुआती जांच में सामने आया कि जो रुपए जलाए गए हैं वह करीब 20 लाख के करीब हैं। टीम ने अटजले नोट बरामद कर लिए हैं। वहीं एसीबी के डीआईजी विष्णुकांत ने बताया कि आंवले की छाल की खुली बोली नीलामी की प्रक्रिया की जाती है। अगले साल का भी ठेका सांडिया पाली निवासी मूल सिंह नाम के व्यक्ति को देने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी की टीम ने बुधवार को शिकायतकर्ता मूल सिंह को 1 लाख के साथ पर्वत सिंह के पास भेजा था। ऑफिस में 1 लाख रुपए थमाते ही उसने रकम बैग में रख दी। उसी समय एसीबी ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में उसने तहसीलदार कल्पेश जैन का नाम लिया। पिछले माह की 26 तारीख तक यानी 26 फरवरी तक लगभग रोज बढ़ने वाली पेट्रोल और डीजल की दरों में तेल कंपनियों ने लगातार 2 दिन तक कमी की है। इन 2 दिनों में पेट्रोल 41 पैसे और डीजल 38 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। ऐसे में जयपुर में गुरुवार को नई दरों के अनुसार पेट्रोल 97 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 89 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इससे पहले मंगलवार को पेट्रोल 97 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर और डीजल 89 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर था। बुधवार को पेट्रोल 19 पैसे और डीजल 16 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। ऐसे में जयपुर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल 97 रुपए 53 पैसे व डीजल 89 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर बिका। इस कमी से प्रदेश की जनता को थोड़ी राहत जरूर मिली। हालांकि 2 दिन से यह चर्चा चल रही थी कि पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार भारी गिरावट कर सकती है, बशर्ते राज्य सरकार इन्हें जीएसटी के अंतर्गत लाने पर राजी हो जाए। फिलहाल ऐसा नहीं होने जा रहा है। राजस्थान में होने वाली 3 विधानसभा उपचुनाव, पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही केंद्र सरकार ने लगातार बढ़ रही दरों को स्थिर कर दिया था। अब चुनाव नजदीक आने के साथ ही दरें कम कर दी गई हैं। देश के सभी राज्यों में पेट्रोल पर सबसे ज्यादा वैट राजस्थान में है। राजस्थान में पेट्रोल पर 36 और डीजल पर 26% वैट लगाया जाता है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान ही पेट्रोल पर 10 और डीजल पर 8% वैट लगा दिया था। अब चूंकि सरकार पर भारी दबाव था, इसलिए बढ़े वैट में सिर्फ 2-2% वैट पेट्रोल और डीजल में कम कर दिया गया है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। बुधवार को लगभग 670 नए मरीज मिले, साथ ही इस साल के सर्वाधिक केस का नया रिकॉर्ड बन गया। जयपुर में 100 से ज्यादा जबकि 4 अन्य शहरों में 50 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। राजस्थान में जिस तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, यह प्रशासन और आम लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले 106 जयपुर में मिले हैं, जबकि यहाँ एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। इसी तरह आज अजमेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में भी कोरोना का विस्फोट हुआ है। अजमेर 65, जोधपुर 90, कोटा 88 और उदयपुर में 91 नए मरीज सामने आए हैं। जोधपुर अजमेर की बात करें तो इस साल के एक दिन में सबसे ज्यादा केस बताए जा रहे हैं। इन 5 शहरों में जो केस मिले हैं वह आज मिले राज्य में 46% है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में 37, सिरोही में 33, राजसमंद में 31, वही भीलवाड़ा में 27, डूंगरपुर में 22, बांसवाड़ा में 15, झुंझुनू में 14, बीकानेर में 12, वही सीकर और पाली में 10-10 नए मरीज सामने आए हैं। चूरू और दौसा जिले को छोड़कर से सभी जिलों में नए केस मिले हैं। राजस्थान में मरीजों की संख्या में जिस तरह तेजी से इजाफा हो रहा है, ये पिछले 7 दिन के रिकॉर्ड बताते हैं कि मार्च में अब तक कोरोना के कुल 6,840 मरीज मिले हैं, लेकिन उनमें से करीब आधे यानी 3,401 मरीज तो बीते 7 दिन में ही आ गए। हालांकि राहत की खबर ये है कि राज्य में जिन तेजी से मरीज सामने आ रहे हैं उनमें अधिकांश मरीज सामान्य लक्षण वाले हैं, जो होम क्वारंटाइन हैं। सूरज की तपिश और मौसम की मार को भुलाकर लोग शाम दर्शन के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। महामारी के चलते प्रशासन ने जो पाबंदी लगाई है, श्रद्धालु उसकी भी पालना कर रहे हैं। यही कारण है कि इस बार मेले में भीड़ नियंत्रित रही। मुख्य मेला आज भरेगा। प्रशासन इसे परीक्षा मानकर पूरी ताकत से व्यवस्था बनाए हुए है। बाबा श्याम आज खुद भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आएंगे। दर्शन करने के लिए दूर दराज राज्यों से आने वाले श्रद्धालु भी पूरी रात खुले में ही गुजारा कर रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन की वजह से रात को मंदिर के पट और धर्मशालाओं के दरवाजे बंद होना भी
इसके लिए कोई असर नहीं छोड़ता। श्याम नाम का जाप व स्मरण तो कोई भजन कीर्तन से श्याम दर्शनों के बीच आई रात को भक्ति भाव से रोशन कर रहा है। तन थकान से चूर है लेकिन मन नई नई उमंगे उठती है। जो जो रात ढलती है श्याम मिलन की आस में उत्साह त्यो त्यो बढ़ता जाता है। मुख्य मेला एकादशी यानी आज भरेगा। इसमें बाबा श्याम के दर्शनों के लिए लाखों भक्तों के पहुंचने का अनुमान है। श्याम सरकार के दर्शनों के लिए रात तक 65,000 श्रद्धालु पंजीयन करवा चुके हैं। देर रात को पंजीयन व स्थानीय लोगों को शामिल करने पर श्रद्धालुओं की संख्या 1,00,000 से ज्यादा होने की संभावना है। भीड़ के बढ़ने की संभावना इसलिए है क्योंकि इस बार रात को दर्शन नहीं होंगे। एकादशी पर मंदिर के पट रात 10 बजे बंद हो जाएंगे, इसलिए श्रद्धालु दिन में ही दर्शन करने उमड़ेंगे। श्याम एकादशी पर श्याम बाबा की शोभा यात्रा सफेद घोड़ों के रथ पर निकाली जाएगी, जिसमें बाबा श्याम नीले घोड़े पर सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। बाबा श्याम की शाही सवारी दोपहर 1 बजे मंदिर परिसर से रवाना होगी, जहां से श्याम कुंड, शनि मंदिर, जांगिड़ मोहल्ला, अस्पताल चौराहा, पुराना बस स्टैंड होते हुए शोभा यात्रा कबूतरिया चौक पर पहुंचेगी। आज ही शाम घड़ी को 56 भोग लगाया जाएगा। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री श्याम सिंह चौहान ने बताया कि विशेष श्रृंगार के साथ 56 मिष्ठानों का भोग लगेगा। राजस्थान के झुंझुनू में सामुदायिक विकास भवन में बीती रात हुई शादी समारोह में जमकर लात घुसे चले और मारपीट की घटना हुई। आरोप है कि एक व्यक्ति ने तलवार से भी हमला कर दिया। हमले में मामा और भांजा घायल हो गए। पीड़ित घायल के मुताबिक अपने ममेरे भाई इस्लाम की शादी में हिस्सा लेने के लिए झुंझुनू आया था। जब शादी की रस्में चल रही थी तो किसी ने बताया कि एक युवक दूल्हे को मार रहे हैं। जब जाकर देखा तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन शाहरुख और परिवार के अन्य सदस्य दूल्हे के पास खड़े हो गए। इसी दौरान शाहरुख और वहां मौजूद लोगों पर युवक ने ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। तलवार से भी सर पर हमले का आरोप है। घायलों की तरफ से कोतवाली में रिपोर्ट कर दी गई है। इस मारपीट के वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें स्टेज पर ही युवक आपस में कुर्सियां फेंककर बेल्ट से और लात घूसों से लड़ाई कर रहे हैं। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार। वहीं जयपुर से खबर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर आज शाम राजपुरोहित समाज के प्रतिनिधि मंडल का मुलाकात प्रस्तावित किया जाएगा। शाम 4 बजे आभार जताने प्रतिनिधि मंडल आएगा। सीबीआई जांच की अनुशंसा को लेकर आभार जताएंगे। कोचिंग संस्थान से लड़के के गायब होने का ये मामला था और राज्य सरकार ने सीबीआई के जांच का निर्णय लिया था। वही खबर टोंक के पीपलू से आ रही है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संदेड़ा के मुख्य गेट पर ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया है। जी आपको बता दें कि प्रधानाचार्य की हट धर्मिता से ग्रामीण परेशान हैं। वही विद्यालय के नाम से ग्रुप बनाकर अश्लीलता फैलाने का ये मामला सामने आया है। वही खबर जोधपुर से आ रही है, जहां जोधपुर में जवाहर खाना रोड पर मकान में आग लग गई। आपको बता दें कि एक मकान में आग लग गई है, जहां नागौरी गेट में दमकल पहुंची है। आग पर काबू पा लिया गया है, सामान जल गया। गैस रिसाव से आग लगने की आशंका थी, अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। तहसीलदार रेवेन्यू इंस्पेक्टर की रिश्वत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सिरोही से दोनों को लेकर पाली रवाना हो चुकी है एसीबी। आज पाली की एसीबी कोर्ट में इनकी पेशी की जाएगी। रेवेन्यू इंस्पेक्टर की रिश्वत का ये मामला है। रिश्वत मामले में दोनों को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुल के सक्सेन आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के नए आंकड़े हर दिन नए रिकॉर्ड छू रहे हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 31,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के
53,476 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 251 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,17,87,534 हो गई है। गोमूत्र से कोरोना वायरस के इलाज का दावा करने और पहले भी एक महिला पर अपने बयान के चलते सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप झेल चुके दिलीप घोष पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बरमूडा पहनकर अंग प्रदर्शन करने की सलाह देने के चलते विवादों में हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दरमियान भाजपा के प्रदेश प्रमुख और मौजूदा सांसद घोष अपने बयानों के चलते फिर चर्चा में आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण में खड़े 191 उम्मीदवारों में से 48 प्रत्याशियों ने हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है। इसके साथ ही दूसरे चरण में भी 25% प्रत्याशी दागी हैं। दोनों चरणों के कुल 362 प्रत्याशियों में से करीब 91 प्रत्याशी दागी हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नामक संस्थान की एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार 96 उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता कक्षा 5 से 12वीं के बीच बताई है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैग्रा ने तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा कोइंगलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले ही मैच में भारत के लिए अपना पहला वनडे डेब्यू करने पर बधाई दी है। मैग्रा ने 2017 में चेन्नई में MRF पेस एकेडमी में प्रसिद्ध बॉलिंग स्किल्स को निखारने का काम किया था। वहीं मैग्रा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर कृष्णा को बधाई देते हुए लिखा कि मुबारक हो प्रसिद्ध 4/54 की और साथ ही डेब्यू वनडे में सबसे पहले विकेट लेने का भारतीय रिकॉर्ड तोड़ने पर शाबाश साथी। इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज 9 अप्रैल से हो रहा है और चेन्नई सुपर किंग्स बड़े जोर शोर से टूर्नामेंट की तैयारी में जुटी हुई है। उसके दिग्गज खिलाड़ी सुरेश रैना भी टीम से जुड़ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स का खेमा चिंता में है। दरअसल टीम के मैच विनर और ऑलराउंडर रविंद्र जाडेजा अब तक टीम से नहीं जुड़े हैं। चिंता की बात यह है कि कोई नहीं जानता कि ऑलराउंडर कब टीम में शामिल होंगे। बता दें कि रविंद्र जाडेजा को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अंगूठे में चोट लग गई थी और उसी के बाद से टीम से बाहर चल रहे हैं। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।